नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भौत रहा है इस अकेडमी में। दोस्तों आज के इस सेशन में आसाम पीसीएस स्पेसिफिक एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो क्या 13 से 26 जून के बीच में जितने सारे करंट अफेयर्स है आसाम के रिलेटेड, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके आसाम पीसीएस जो आने वाला एग्जाम है उसमें पूछने का, राइट। तो इसीलिए लेट्स गो फॉर इट, लेट्स स्टार्ट इट। Project Sadbhavna of Assam government, often seen in news, is aimed at to recheck the urban area flooding problems, to scrutinize a flood relief material leakage, to dispose pending files in the state secretariat, to act on violators of plastic ban in the state. आपको बताना है इनमें कौन सा सही है। अगर आपने 5-2 हफ्ते के न्यूज देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा दैट सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि इसी के रिलेटेड जो है सरकार ने बोला था दैट हाँ, जितने जितने लोगों को जमीन नहीं मिला है प्रोजेक्ट सद्भावना के अंडर, हम लोग उनको जमीन दे देंगे, ठीक है। बट प्रोजेक्ट सद्भावना लेकिन एक बड़ा सा बिग टर्म था, राइट, जिसमें स्टेट सेक्रेटरीट में जितने सारे पेंडिंग फाइल्स थे उनको हटाना था, ठीक है। तो ये मेन जो थीम है ना, ये आपको पता होना पड़ेगा। देखो वही है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था क्लास में, इसलिए तो बोलता हूँ ना, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ा करो यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। और क्या होता है ना, देट पूरी टीम मिलके जब इन चीज़ों को रिसर्च करके एक जगह इकट्ठा करती है तो उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वी आर नॉट सिंपली अ सिंगल यूट्यूब चैनल ना, देट को एक सिंगल ओनर के द्वारा रन किया जा रहा है, नो, इट इज़ अ टीम, राइट। वी वर्क एज अ टीम, वी मेक द मटीरियल एज अ टीम, राइट। सो ऑफकोर्स एक यू नो, यू विल गेट अ वैल्यू एडेड मटीरियल इफ यू विल गो थ्रू आर एक्सप्लेनेशन एंड ऑल। एनीवेज, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन कंक्लेव फॉरेन मिनिस्ट्री मीट। ओके, एशियान, ये गलत हो गया यार, ASEAN, माफ करना, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ASEAN, एशियन कंक्लेव को रिसेंटली कंक्लूड किया गया था ना, मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल में यू नो एक पिक्चर भी पोस्ट किया था ना, उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट भी कंडक्ट की गई थी। ये मैं मान रहा हूँ थोड़ा टफ में मैं जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, बट आपको बताना कौन से देश के फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं अटेंड किया था, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड या फिर म्यांमार। द आंसर इज म्यांमार, डी ऑप्शन, राइट। देखो म्यांमार डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन इंडियन एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, ठीक है। और ये कब हुआ था, इंडियन एशियन कॉन्क्लेव में, ठीक है, याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैट्रिया। सैट्रिया के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए गई हैं। सबसे पहला है, सैट्रिया वॉज गिवन स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस फ्रॉम इंडियन स्टेट्स ऑफ असम। दूसरा है, द कॉर्पस ऑफ सैट्रिया डांस कंसिस्ट ऑफ प्ले कॉल्ड भावना। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पे शक ही नहीं होना चाहिए आपको। रिसेंटली हम लोगों ने सैट्रिया के रिलेटेड न्यूज भी डिस्कस किया था, सो देयर वी हैव क्लियरली मेंशन इट। मिशन भरालू वॉज वेरी मच इन न्यूज, वाओ। इट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, प्लांटिंग ट्रीज अक्रॉस द बैंक्स ऑफ भरालू रिवर, एफॉरेस्टेशन इन भरालू रीजन ऑफ अपर असम, रिजुविनेटिंग द भरालू रिवर, नन ऑफ द अबव। देखिए ये मैं एक बार नहीं, ये आर्टिकल मैं दूसरी बार आपको साथ डिस्कस किया था, है ना, और इसका आंसर था ये वाला, दैट इज रिजुविनेटिंग द भरालू रिवर। क्योंकि भरालू रिवर अगर आप देखिएगा, मेन हार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी से गुजरती है, और ये रिवर अभी नहीं, ये नाला बन चुकी है लिटरली, इसीलिए इसको रिजुविनेट करने की बात की जा रही है। देखो रिजुविनेट करना बहुत हद तक मैं क्या बोलूँ आपको, इम्पॉसिबल सा दिखता है, क्योंकि अब देखो क्या है ना, पूरा सिटी के बीच से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये गुवाहाटी है, अब गुवाहाटी के बीच से अगर आप गुजारोगे तो अगेन जो रेसिडेंट्स है उनके जो सीवेज गार्बेज मटेरियल है वो जाएंगे कहाँ, अल्टीमेटली इसी रिवर्स में ही तो जाते हैं, और ये रिवर नाला बन गया है ना, और अभी बात की जा रही है इसको कैसे रिजुविनेट किया जाए। चलो वो तो खैर चैलेंजेस वाला टास्क होने ही वाला है, वी नीड टू सी दैट। तो ऑफकोर्स एनीवेज आंसर इज रिजुविनेटिंग भरालू रिवर, सी ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंबुबाची मेला, द फेस्टिवल मार्क्स द एनुअल मिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिसाइडिंग गॉडेस इन कामाख्या टेम्पल। दूसरा स्टेटमेंट है,
Kamakhya is one of the 51 Shakti Pithas or holy sites of the followers of Shakti cult. Absolutely right. Dono ke dono yahan pe bilkul sahi hai. Koi problem hi nahi hona chahiye. C is the correct answer. Right? We have already discussed when Ambubachi Melia started. तो तब हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था प्रॉपरली. अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, सिंपली भौद्रायस का यूट्यूब चैनल में जाइए, लॉग इन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से, है ना, भूलिएगा नहीं. और हाँ, वहाँ पर आप पास्ट के दो हफ्ते के आराम से देख लीजिए, मिल जाएगा आपको. ठीक है, व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ असम टी इंडस्ट्री इन इंडिया. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टीप राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है मोर प्राइस रियलाइजेशन. देखो, स्टीप राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो सही है, बट मोर प्राइस रियलाइजेशन मतलब समझ रहे हो, जैसे आप अगर ज़्यादा, आप अगर चाय की खेती की है, राइट, आप उसको बेचने हैं, आप सोचो, आप डिमांड कर रहे हो, आपको एक्सपेक्टेशन है 1000 रुपये मिलने के, बट आपको मिल जा रहा है 1500 रुपया, तो वो हुआ हायर एक्सपेक्टेशन. ऐसा थोड़ा ना होता है, उल्टा कम मिलता है भाई इंडिया, मतलब असम में. ठीक है, तो ये अभी और रिसेंटली एक आर्टिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके ऊपर प्रॉपरली. ठीक है, तो ये मोर नहीं लेस होगा, है ना, तो ये तो मतलब ये तो कॉमन सेंस का भी कहीं ना कहीं बात है, इसलिए इन बिटवीन द लाइंस प्रॉपरली पढ़ा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. पूछा गया है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, वन ओनली टू ओनली बोथ नन, ऑफ कोर्स वन ही इज करेक्ट, ओनली दैट इज वन ओनली इज द करेक्ट. देखो यहाँ पे देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ऑन गोइंग वेदर एक्सट्रीम इज राइट, लेस प्राइस रियलाइजेशन देख रहे हो, अनसोल्ड परसेंटेज ऑफ टीज इन ऑक्शन सेंटर्स, है ना, उसके बाद और भी ये सारे पॉइंट्स देख लो पॉज करके वीडियो. नेक्स्ट, रिसेंटली एसटी स्टेटस फॉर मटक्स वेयर सॉट फ्रॉम विच रीजन ऑफ असम, बोंगाईगांव, शिवसागर, सिलचर या फिर नगांव. द आंसर इज शिवसागर. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. मटक्स के बारे में हम लोगों ने बोला भी था दैट अगर आप लोगों ने असम हिस्ट्री देखा पढ़ा होगा तो अहोम किंगडम्स में देवर द वन हुर यू नो गिविंग द सर्विसेज टू द किंगडम, राइट, एंड डिमांड जो की जा रही है इनके लिए एसटी स्टेटस की वो शिवसागर एंड इस रीजन से, है ना, चराय देव रीजन. ठीक है, तो इन रीजन से बेसिकली डिमांड की जा रही है, तो यहाँ पर तो शिवसागर ऑप्शन था, तो ऑफकोर्स दिस विल बी योर आंसर, राइट. सो एनीवेज, दिस वॉज अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन. विल बी मीटिंग इन द वेरी नेक्स्ट क्लास विद न्यू सेट ऑफ MCQs. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस. थैंक यू वेरी मच.